प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। वेद सनातन धर्म और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। वेद संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें मानव के हर समस्या का समाधान मिलता है। वेद के चार भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए जानते हैं इन चारों वेदों को। ऋग्वेद। ऋग का अर्थ होता है स्थिति ज्ञान। ऋग्वेद प्रथम वेद है, जो कि पूर्णतः पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें लगभग 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन और मंडुकायन। इनमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में है। इसमें जल, वायु, सौर, मानस तथा हवन द्वारा चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यत और जु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश या कर्म। इस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवनों के नियम मिलते हैं, अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करे। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान का भी वर्णन है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की भी 2 शाखाएं हैं। साम वेद। साम का अर्थ रूपांतरण और गायन से है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस वेद में 1875 मंत्र हैं, जिनमें कुछ को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में ईश्वर वंदना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के उपाय वर्णित हैं। इसमें कई भक्तिमय व शांतिदायक प्रार्थनाएं हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। अथर्ववेद विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है, जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, भौतिक व रसायन शास्त्र आदि। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इस वेद में कुल 5,687 मंत्र हैं। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी करता है और मोक्ष का उपाय भी बताता है, इसलिए इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। वेद एक महासागर है, जिसमें लगभग इहलोक एवं परलोक संबंधी समस्त तत्व समाहित हैं, तथा मानव के समस्याओं का समाधान इसमें लिखित है। वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ होने के साथ साथ एक ऐसा ग्रंथ है, जिस पर आज तक किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, क्योंकि वेदों में लिखी बात तार्किक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से सही साबित होती है। यूनेस्को द्वारा इसे मानव इतिहास के प्रथम साहित्यिक दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। वेद के ज्ञान को सहेज कर रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि समय मिलने पर हम सब भी वेद का अध्ययन अवश्य करें तथा इसकी महत्ता को दुनिया तक पहुंचाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।